सोचा कि आज जल्दी उठकर पढ़ाई की जाए, जल्दी उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पाए। सोचा कि मन लगाकर पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। फिर सोचा कि आज रात भर जग कर पढ़ाई की जाए तो कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, और जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। तब पता चलेगा, तब उस बात का एहसास होगा कि पढ़ना जरूरी था, लेकिन अभी तो तुम्हारे लिए थोड़ी देर मोबाइल चलाना जरूरी है, थोड़ी देर टीवी देखना जरूरी है, दोस्तों का फोन आ गया तो उससे बात करना भी जरूरी है, फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक पर एक बार नजर मारना भी जरूरी है, तुम्हारे लिए शाम को दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कामों को रोकने की कब वजह बन जाती है पता ही नहीं चलता। यह बेवजह की चीजों को अपनी जरूरत कामों के लिस्ट से अभी निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये काम उतने जरूरी ही नहीं है जितना तुमने इन्हें बना लिया है। तुम्हें लत लग गई है इन सब चीजों की। सारे काम करने के बाद जब थोड़ा बहुत समय बच जाता है वो समय तुम अपनी पढ़ाई को देते हो। हमेशा ये बात याद रखना कि सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। सुबह नींद नहीं खुलती तो रात भर सोना बंद कर दो। ठान लो कि आज का सूर्योदय देख कर ही दम लूंगा, चाहे रात भर जगना पड़े, जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लूंगा खाना नहीं खाऊंगा। क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, ना खाना ना पीना ना सोना और ना ही सोचना। क्योंकि जब सोचने लग जाओगे तो कब मन भटक जाएगा, कब अपनी किताबों को बंद करके ख्यालों की दुनिया में खो जाओगे पता ही नहीं चले। जब भी ये बात तुम्हारी मन में आए कि मुझसे ये नहीं होगा तो हमेशा अपने आप में याद दिला लेना, तुमसे ही होगा, तुमसे ही होगा। दिन में 2-3 घंटा पढ़ाई करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेते हो, दिन में 24 घंटा पढ़ने की ठान लो। अब तुम कहोगे ये तो पागलपन है, दोस्तों पागलपन जरूरी है। साधारण लोगों की तरह मत सोचिए, उनकी तरह काम करोगे, उनकी तरह छोटे टारगेट बनाओगे तो जिंदगी में कभी तुम सफल नहीं हो पाओगे, जिंदगी में कभी तुम बड़ा नहीं बन पाओगे। बड़े बड़े सपने देखने से, बड़ी बड़ी बातें करने से किसी को सक्सेस नहीं मिलती। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुनिया में ऐसी कोई मकाम नहीं है, कोई ऐसी मंजिल नहीं है जो इंसान के पहुंच से दूर है। बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, सचिन तेंदुलकर, नेल्सन मंडेला, ये जितने भी लोग सफल हुए हैं और इतिहास बदला है उन लोगों ने, इन लोगों की सफलता का राज क्या है? इन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि इन लोगों ने हमेशा अपने मन में सोचा कि सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूं, और मेरा जन्म इस दुनिया में सिर्फ इस काम को करने के लिए हुआ है। इसके इसी विश्वास ने इन्हें दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बना दिया, और इन्होंने अपनी सोच से इस बात को साबित कर दिया कि जो भी चाहे वो भी कर सकता है। पर जरूरत है एक दृढ़ सोच की और कभी ना टूटने वाली हौसले की, कि कहते हैं कि मुश्किलें इंसान की हौसले आजमाती है, कहते हैं कि मुश्किलें इंसान की हौसले आजमाती है, खाप के पर्दे आंखों से हट जाती है, गिरकर हिम्मत न हार मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। दोस्तों अगर आपने भी मुकाम और लक्ष्य अपनी जिंदगी बना लिया है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सुने अब लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी शिद्दत से जुट जाइए, और अपने मन में निश्चय कर लीजिए कि जब तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेता तब तक मैं किसी के रोकने से अब मैं नहीं रुकूंगा। इस वीडियो में कही गई बातों से सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मेरे इस प्रयास
विकास का हिस्सा बनिए। हमेशा एक बात को याद रखिए कि इस दुनिया में कुछ भी करना असंभव नहीं है, बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक सोच को भर दे और आपको दिखाए एक नया रास्ता, एक अच्छा रास्ता। सुनते रहिए मेरी दिल की बात। इसी तरह की मोटिवेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।